तो आज अपन को इसे फाइनलाइज करना है, कंप्लीट करना है। तो 8B पेंसिल लो, 8B पेंसिल लेके आगे का हिस्सा देखो, ये सब थोड़ा मैंने छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आराम आराम से थोड़ा शेड करो 8B से, ठीक है? आराम से शेड करो, ये ऊपर का हिस्सा शेड किया और इधर पीछे का हिस्सा, ये हल्का हल्का थोड़ा नीचे भी शेड होगा, लेकिन से भी बॉर्डर बॉर्डर के पास ये हुआ। ध्यान देखना कहाँ कहाँ शेड, इसके ऊपर ले गए फिर अपन शेड करते करते, और धीरे धीरे ऊपर ले गए, और लेकिन डार्क लाइट होता गया ऊपर जाते जाते, यहाँ पे भी डार्क लाइट होता गया ऊपर जाते जाते, ये पीछे जाते जाते डार्क लाइट होता गया, देख रहे हो? अपन ने क्या किया, डार्क लाइट चाहिए, ये नोज वाला पोर्शन है, ठीक है? अपन को भी मेनली आईज वाले पोर्शन पे ध्यान देना है। इसके आगे क्या करें अपन, इसके आगे अपन इसे पेंट करते हैं ब्रश से, आराम आराम से, पहले इतना हिस्सा, इसके बाद क्या है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो अपन को डिफरेंस उतना चाहिए नहीं है, तो अपन 4B पेंसिल लेंगे, 4B पेंसिल से आराम आराम से थोड़ा ये हिस्सा शेड करना स्टार्ट करेंगे, कैसे? हॉरिजॉन्टली शेड करो और नीचे की तरफ लाते जाओ, ठीक है? ये 4B पेंसिल की मदद से और इसे भी ब्लेंड कर लो आराम आराम से, सर्कुलर चला ब्रश को थोड़ा, ज्यादा इजीली ब्लेंड हो जाता है, ठीक है? इसके बाद क्या करना अपन, ये होती है मोनो जीरो इरेजर, ठीक है? पतली इरेजर, ये नहीं है तो नॉर्मल इरेजर से तो कट कर लो, ठीक है? नॉर्मल इरेजर है, इसे कट करो तो उससे ऐसे स्ट्रोक्स लगाओ थोड़े, कैसे? इरेजर है यहाँ से एक दो ऐसे थोड़े गैप में थोड़े स्ट्रोक्स लगाए, थोड़े क्या होता है जो आगे थोड़ी से जो टेक्सचर आता है भाई, थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे नीचे जाते हुए ये लगा दिया अपन ने, जो थोड़ा टेक्सचर आता है ना अपना, ये अच्छा रहता है। और जहाँ जहाँ अपन ने इरेजर चलाया वहाँ हल्के हल्के मैकेनिकल पेंसिल से ऐसे थोड़े ऊपर ऊपर स्ट्रोक्स लगा दिए, थोड़े नीचे जाते हुए लगा दिए, इससे आईक में जो थोड़ा टेक्सचर आता है वो आ रहा। अभी अपन एक बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं बना रहे, अपन एक बेसिक देखते हैं कि कैसी होनी चाहिए, एक आइडिया लग जाता है। पहले एंट्री वाली लेयर दो, फिर अपन आईलैशेस और आईब्रोज करते हैं। अब अपन को क्या करना, 10B पेंसिल, ठीक है? 10B पेंसिल से पहले आगे से स्टार्ट, आगे बहुत ज्यादा डार्क मत करना, आगे हल्के से स्टार्ट करना, फिर बीच में डार्क करना, क्लियरली मोटी सी, ठीक है? थोड़ा ऐसे मोटा मोटा ऊपर ऊपर थोड़ा शेड होगा, हल्का हल्का शेड नीचे आए, नीचे ज्यादा डार्क नहीं होगा, शेड हुआ ये हल्का सा टिप के पास शेड हुआ, टिप 10B से, फिर 10B से हल्के से आउट लाइन आई, ठीक है? 10B से हल्के से आउट लाइन आई, आईज की आउट लाइन की। अब अपनी बाई आईलैशेस की, तो ये बहुत ध्यान से बनाना है, ठीक है? ये चीज जो अपन बना रहे हैं आईलैशेस, ये बहुत ध्यान से बनाना है सबको। स्टार्ट करो मिडिल वाले से, ठीक है? थोड़ा नीचे की तरफ कर, फिर इस तरीके से। तो अपन सिंगल डायरेक्शन ही बना रहे हैं, अपन एक ये लेफ्ट साइड जाएंगी, ये राइट साइड जाएंगी, राइट साइड होने वाली बड़ी होती जाएगी, ठीक है? इस तरीके से। तो जो पहले वाले बनाए थे जिनके गलत हो उन्हें सुधार लेना, ये टिप की तरफ जाते जाते छोटी होती जाएंगी, ठीक है? और ऐसे भरना नहीं है कि तुमने दो बना दिए उसके अंदर तुमने शेड कर दिया, नहीं, ये स्ट्रोक्स होने चाहिए, आगे जाते जाते छोटे हो गए इस तरीके से। फिर सेंटर में ये वाले स्ट्रोक्स आए, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि इन्हें एकदम भर दो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम खाली छोड़ दो इन्हें, ठीक है? देख सकते हो अभी पीछे आने लगे, पीछे स्ट्रोक सब थोड़े ऊपर ऊपर जाने लगेंगे, ठीक है? इस डायरेक्शन में थोड़े लंबे होते जाएंगे, ठीक है? इस तरीके से बहुत ज्यादा घने नहीं करो अभी, अभी बेसिकली अपन को देखना है तीन चार स्ट्रोक्स लगा एक आईलैशेस वाले पार्ट, सेम तरीके से नीचे करेंगे, नीचे वाले पार्ट में इस तरीके से आएगा, ठीक है? एक आध देखो भरना नहीं है, मैंने क्या बोला था, एक दो तीन बीच में से क्रॉस, फिर एक आध बीच में सिंगल सा, फिर एक दो तीन आगे जाते जाते छोटे, और आगे एक दो ऐसे छोटे, नीचे बहुत घने नहीं होते, नीचे वालों के बीच में गैप चलता है, लेकिन बस ये पीछे जाते
आईब्रोज बना रहे हैं, एनवी पेंसिल का शार्प रखना है, तो बस आगे से स्टार्ट करते हैं। पहले एक बात ध्यान रखना है, डायरेक्ट ऊपर मत लिया, थोड़े आगे की तरफ भी कर्व जाने चाहिए उसके, इस तरीके से आगे की तरफ जो बिखरते कर्व जा रहे हैं ये जाने चाहिए, क्योंकि थोड़ा एक अच्छा लुक देते हैं। एकदम से वो बना दिया अपन ने, एक बॉक्स बना दिया उसके अंदर भरे जा रहे हो। पेंसिल शार्प ही रखना, शार्प पॉइंट्स उसके हेयर्स बनाते रहना, और ऐसा नहीं हो कि बीच में कुछ पार्ट लाइट आ रहा कुछ पार्ट डार्क आ रहा। अब मैं सेंटर वाले पार्ट में आ गया हूँ, धीरे धीरे और लंबे होते जाएंगे, ठीक है। पीछे वाले पार्ट की बात, पीछे वाला पार्ट भी आराम से पीछे की तरफ जाता जा रहा है, ना कि बहुत लाइटली ड्रॉ कर रहे हैं अपन हेयर स्टेन भी से भी, तो फिर फायदा ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से खासे डार्क रखना, अब इसे ब्लेंड कर लेंगे अपन, तो नीचे वाले पार्ट को अच्छे तरीके से ब्लेंड किया करो, जहाँ से हेयर सब बनाते हैं, ऊपर वाला पार्ट आराम से, ठीक है। इस तरीके से अपने हेयर्स वगैरह सब हो जाते हैं। इसके बाद एक चीज़ करनी है अपन, क्या है, ये जो आसपास फैल रहा है उसको इसे अच्छा लुक देने के लिए आसपास इसे एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर बना दो, आसपास का एक्स्ट्रा शेड है जैसे ये है इरेज कर लिया, उसके बाद ये नीचे का इरेज कर दिया, फिर इस साइड रखा मैंने ये, ठीक है, इस साइड का मैंने ये सारा इरेज कर दिया, फिर ऊपर का, फिर ऊपर का सारा इरेज कर दिया, देख रहे हो। इससे क्या होता है, मेरे को एक डेफिनेट अच्छा सा बॉक्स के अंदर आई बनी, और अच्छा जेल पेन हो तो इस तरीके से अपन थोड़े जो हाईलाइट रहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक बॉक्स टाइप बना दिया, यहाँ पे कुछ एक शेप टाइप बना दो, ठीक है, ये शेप टाइप बना देते, उससे क्या होता है आंखों में जो शाइन आती है, देखी होगी आंखों में जो शाइन आ रही है, ये उसके लिए बनाते हैं। इसे जरा आराम से यूज करना पड़ता है, क्योंकि ग्रेफाइट चिकना रहता है, ज्यादा ओके। इसे अपन को ध्यान से चलाना होगा, ऐसे आई को पूरा भर नहीं देना, इसमें थोड़े से शेप बना दिए मैंने, करते हैं अपन, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, तो पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा।